खरगोन में आज देर शाम आगामी त्यौहार को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। तालाब चौक गौशाला मार्ग छोटी मोहन टाकी सहित कई इलाकों में निकले फ्लैग मार्च के दौरान फ्लैग मार्च निकाला गया। खरगोन शहर में पिछले 6 दिन से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक शहर में कर्फ्यू में छूट दी जा रही है। शहर में सामान्य हालत है, बाजार में रौनक है, लेकिन फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने आज उपद्रवियों को संदेश देने में कामयाब रही है। प्रभारी SP रोहित काशवानी ने बताया कि आगामी त्यौहार को लेकर फ्लैग मार्च से पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर संदेश दिया है। किसी ने भी बदमाशी की तो पुलिस सख्ती से निपटेगी, किसी पक्ष ने बदमाशी की तो छोड़ा नहीं जाएगा। शहर में 171 कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से सर्चिंग की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आगामी त्यौहार को लेकर 1 मई से 5 मई तक कर्फ्यू को लेकर प्रभारी SP रोहित काशवानी का कहना था कि विचार चल रहा है, निर्णय नहीं लिया गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, हमने फ्लैग मार्च निकलवाई है, हम ड्रोन वगैरह से सर्चिंग कर रहे हैं। शहर में कुल 171 कैमरे CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं और उनकी फीड आ चुकी है। इसके अलावा हमारे अन्य भी वीडियो कैमरा इधर उधर लगे हैं, जिसमें हम नियमित रूप से निगाह रखे हुए हैं शहर की एक एक गतिविधि पर। साथ ही आज फ्लैग मार्च निकाली जा रही है, इसके अलावा जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर हमारे जेल वाहन तैनात हैं और सारी इमरजेंसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने अग्निशमन दल, एम्बुलेंस आदि सभी की व्यवस्था की है। पुलिस बल की रिजर्व पार्टियाँ सभी तैनात है और जो शहर के मुख्य स्थल हैं वहाँ पर लगी हुई है। इस प्रकार पूरा प्रयास किया जा रहा है कि शहर में शांति बनाए रखें। सर, ये फ्लैग मार्च जो निकाला जा रहा है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं, जिस प्रकार आगामी त्यौहार है? नहीं, उसका यही है कि पुलिस पूरी तरह तैयार है और जो भी गड़बड़ करेगा उस पर कड़ा सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। सर, अभी तक तो जो स्थिति है उसके अनुसार सभी धार्मिक गतिविधियां बंद हैं। सर, सोशल मीडिया पे जिस तरीके से चल रहा है कि 1 से 5 तक कर्फ्यू लगाया जाए, ऐसे कुछ इसका अभी विचार किया जाएगा, उसके बारे में अभी विचार। जैसे अभी तो जो है कि 8 से 5 था आज और उसके बाद अभी रात्रि कर्फ्यू। सर, अभी तक गिरफ्तारी कितनी है? अभी तक 177 लंगाइयों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 74 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। सर, इनामी गिरफ्तार कितने हुए? इनाम अभी हम लोग इसकी देख रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं और उसके बाद इनाम घोषित किया। सर, कोई पिस्टल वालों को किसी को गिरफ्तार किया? अभी जो आरोपी था वसीम उर्फ मोहसिन, उससे इसके पर अभी इसके अलावा कोई ऐसा पिस्टल वाला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।